हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। इसमें क्या करना है आपको, टिक करना है करेक्ट आंसर्स को एंड जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं आपके पास ए बी सी एंड बी डी ई, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज, इनमें से आपने ये टिक मार्क करनी है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्विलेटरल हैं, ठीक है। तो इनको बनाते हैं सबसे पहले, तो ए बी सी बनाते हैं पहले। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है देखो बी डी ई। तो बी डी ई है तो मैं अलग से तो नहीं बना सकता, क्योंकि बी पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इसी के अंदर होगा, ठीक है। बी डी ई, अब बी डी ई में बी तो है, डी और ई नहीं है, और आगे वो क्या कहता है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, ये तो उसने बता दिया, लेकिन ई के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मेरे को खुद ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई पॉइंट में हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं मान लो, ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, क्लियर, बन गया ये बी डी ई, ठीक है। अब पढ़ो क्वेश्चन को। ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ए बी सी एंड बी डी ई, ये दो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी एंड बी डी ई आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो जब भी रेशियो की बात होगी और एरियाज ऑफ ट्रेंगल्स की बात होगी, ठीक है, तो आप समझ जाना कौन सी थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल थ्योरम, ठीक है। तो उसके अंदर हमें पता है किसके इक्वल होती है, वो स्केयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखो क्वेश्चन को, इनमें से हमें देखना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें ये बताया है उसने क्या, ए बी सी एंड बी डी ई ये दो ट्रेंगल्स क्या हैं, इक्विलेटरल हैं, आर इक्विलेटरल ट्रेंगल्स, इक्विलेटरल ट्रेंगल्स, ठीक है। अब जो ये थ्योरम थी इसमें हमें पता है कि वो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इस तरीके से बोलता है। तो सिमिलर ट्रेंगल आते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर बनाने पड़ेंगे, तो सिमिलर तो होते ही हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है ये भी 60 होगा, अगर ए बी सी की बात करूं मैं, ये भी 60 और ये भी कितना 60 डिग्री, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर ये बी डी ई, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें भी क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 60 डिग्री के होते हैं, तो इसमें भी 60 60 डिग्री है और बी डी ई में भी 60 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय, सो यहाँ लिख दो ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्रेंगल बी डी ई के, कहाँ से, बाय ए ए क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा, अब ये ट्रेंगल सिमिलर हैं तो मैं अब थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। अब वो थ्योरम क्या कहती है हमें, देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई। अब देखो ये रेशियो जो है ये कैसे लिखनी होती है आपको, जो भी उसने गिवन पहले दिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऊपर है और बी डी ई इधर नीचे है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी साइड्स को भी आपने लिखना है इधर, ठीक है, क्या होता है, इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ऊपर वाली कौन सी आएंगी साइड्स, ए बी सी ट्रायंगल की आएंगी, ठीक है। जैसे ए बी अपॉन में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, ये बी ई, क्लियर। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए बी अपॉन में बी ई का स्क्वायर, बी कौन से ट्रायंगल की है, बी डी ई की है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, इसमें अगर ए बी सी वाले की देखो साइड कौन सी है, बी सी इक्वल टू बी सी, और इस वाले की कौन सी बनेगी, ये बी डी इसका स्क्वायर इक्वल टू, और कौन सी बनेगी हमारे पास, ये ए सी और अपॉन में ये डी ई, ए सी अपॉन में दिस डी ई का स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो मुझे आंसर लाना है इसमें, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4, तो ये कैसे लेके आऊँ मैं यहाँ से। देखो बड़ा सिंपल है, उसने आपको एक क्ल्यू दिया था क्या, कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अगर डी मिड पॉइंट है बी सी का तो इसका मतलब बी सी किसके इक्वल होगी, 2 BD के इक्वल होगी। कैसे, देखो यहां से अगर मैं कहूँ बी सी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, यहाँ से ये बी डी प्लस सी डी, और अगर ये डी मिड पॉइंट है बी सी का तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी डी इक्वल टू सी डी है, क्लियर इतनी कहानी या नहीं। तो मैं यहाँ सी डी की वैल्यू बी डी पुट कर दूँ, बी सी इक्वल टू में बी डी प्लस सी डी की जगह क्या पुट कर दूँ, बी डी, तो ये कितना आ गया, 2 BD। तो बी सी की वैल्यू आ गई 2 BD। यहाँ पर देखना जरा, देखो इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं कुछ भी पता, ना ही इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है, क्यों, देखो बी सी ऊपर है और बी डी नीचे है, अगर मैं यहाँ से बी डी की वैल्यू पुट कर दूँ या यहाँ से बी सी की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या मेरे पास आंसर नहीं आ सकता, बिल्कुल आसानी से आ सकता है। देखो जरा कैसे, यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई इक्वल टू, ये वाला लेंगे हम यहाँ से बी सी अपॉन में बी डी का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 2 BD, 2 BD अपॉन में,
और ये क्या है, बी डी ही है यहाँ पर, तो बी डी और इसका स्केयर, ये एक बी डी से बी डी कट गया, क्या आया यहाँ से 2 का स्केयर 4 और नीचे क्या बचा था 1, 1 का स्केयर 1, तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, ये 4:1। अब 4:1 कौन सा है आंसर देख लो यहाँ से, आंसर सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी, ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्लियर इतनी बात या नहीं, समझ गए हो, बहुत ही सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जिसमें इसमें भी हमें क्या करना है, टिक मार्क ही करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, देखो साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, साइड्स हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स की आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, ठीक है। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, एरियाज क्या बताना है इसमें, रेशियो बतानी है, ठीक है, ट्रायंगल्स का कि क्या होगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है, देखो उसने दो सिमिलर ट्रायंगल ऑलरेडी खुद ही बताया हुआ है, मान लो दो सिमिलर ट्रायंगल ये मान लिए मैंने, ठीक है, इसको मान लो ए बी सी और इसको मान लो पी और ये क्यू और ये आर। अब दो ये क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है, जो कि इसने गिवन बताया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल। तो देखो जरा सॉल्यूशन में, ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के, और इनकी रेशियोज किसके इक्वल है, उसने गिवन बताइए आपको 4:9, 4:9 का मतलब क्या होता है, 4:9, मतलब क्या ए बी बाई पी क्यू भी क्या आई होगी 4:9, बी सी बाई क्यू आर भी क्या आई होगी 4:9, ए सी बाई पी आर भी क्या आई है 4:9, ये चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है आपसे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स, तो आप निकाल सकते हो कौन सी थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के अंदर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्केयर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ये चीज होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इनका स्केयर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इसका स्केयर एंड इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्केयर। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है, तो बस यहाँ पे सिंपल है। अब ये तो हमें ऊपर से रेशियोज की वैल्यूज पता थी 4:9 सभी की है, तो किसी एक को इक्वल ले लेते हैं हम, मान लो ए बी बाई पी क्यू को ले लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर। जैसे मैंने ए बी बाई पी क्यू को मान लिया 4:9, तो 4:9 इसका स्केयर, तो कितनी आएगी रेशियो, 4 4 16, 9 9 81, तो कितनी आ गई है 16:81, क्लियर। और ऑप्शन कौन सी चलेगी इसके अंदर देख लो, 16:81 मतलब डी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन होगी डी, क्लियर, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो इनको देख लेना एक बार, ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है, ओके, थैंक यू।